हेलो गाइस, माय नेम इज शाहरुख। वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ टॉप ट्रेंडिंग न्यूज ऑफ द डे फ्रॉम टीम इंटरनेट एवियन। फ्लिपकार्ट के ऊपर 10,000 करोड़ का जुर्माना लग चुका है। इस पर ईडी ने बोला है कि भाई आपके ऊपर ये जुर्माना क्यों ना लगे, क्योंकि आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉस को वायलेट करा है। पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर कोई लॉ बनता है उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करते तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर जुर्माना लगेगा ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं Xiaomi के बारे में। भाई Xiaomi की जून की सेल सामने आ चुकी है, जिसके चलते Xiaomi ने Samsung की जून की सेल को पूरी तरह से पछाड़ दिया है और अब Xiaomi वर्ल्ड का टॉप स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है। और ऐसी पीछे से रिपोर्ट्स हैं कि शायद आने वाले टाइम के अंदर Xiaomi एप्पल को भी टक्कर दे सकता है सेल्स के मैटर में। मैं फीचर्स के मैटर में नहीं बोल रहा, मैं सेल्स के मैटर में बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर शायद Xiaomi एप्पल को भी टक्कर दे सकता है सेल्स के मामले में। अब बात करते हैं Zomato के बारे में। Zomato ने अपना न्यू पेमेंट गेटवे लॉन्च कर दिया, जिसके चलते आप सिंपली Zomato की साइट पर जा सकते हैं। अगर कुछ आपको ऑर्डर करना है आप कर सकते हैं, और Zomato की मतलब साइट पर जाके अपने कार्ड की डिटेल डाल के पेमेंट कर सकते हैं। मतलब अब इसके चलते आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी डेटा है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, अब वो Zomato के साथ सेफ रहेगा। अब बात करते हैं Amazon के बारे में। Amazon ने अपने 100 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया यूके के अंदर। उन्होंने बोला है कि भाई ये जो एम्प्लॉयज को निकाला गया है वो ड्रोन डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन अभी ड्रोन डिपार्टमेंट में हमें कोई भी जरूरत नहीं इतने एम्प्लॉयज की, क्योंकि यूके के अंदर अभी ड्रोन जो डिलीवरी है वो इतनी स्टेबल नहीं हुई है, जिसके चलते इतने लोग उनको अपनी कंपनी में हायर करना पड़े। और ऐसी रिपोर्ट है कि शायद आने वाले 2-3 साल के अंदर इंडिया के अंदर भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट बन सकता है, क्योंकि भाई जिस तरह से पेंडेमिक चल रही है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है कि शायद इंडिया के अंदर भी ड्रोन डिलीवरी आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। भाई एप्पल ने बहुत बढ़िया एक फीचर लॉन्च करने वाला है, जिसके चलते एप्पल आपकी सारी फोटोज और वीडियोस को ट्रैक करेगा और देखेगा कि आपके फोन के अंदर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो नहीं है या फिर चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट तो नहीं है, जिसके चलते एप्पल खुद ही मतलब पुलिस को इत्तला कर देगा और आपको पुलिस के हाथों मतलब पकड़वा देगा। अब बात कर लेते हैं पबजी के बारे में। भाई पबजी एंड्रॉयड के अंदर अवेलेबल थी बट iOS के अंदर अवेलेबल नहीं थी। अब बहुत जल्दी iOS के अंदर भी आपको ये गेम देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी हिंट है मतलब गेम की तरफ से कि बहुत जल्दी मतलब कमबैक कर सका iOS के अंदर भी PUBG। तो भाई खुश हो जाओ, आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है, शायद उन लोगों के लिए जो PUBG बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर खेलते हैं। तो भाई बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की सेल की। वो लाइव हो चुकी है। अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा ख़राब है या फिर आप थोड़ा सा चेंज करने का अपना फ़ोन सोच रहे हैं तो आपके पास इस टाइम पे बेस्ट मौका है। आप अपना फ़ोन चेंज या फिर मतलब बदल सकते हैं। फ्लिपकार्ट की सेल लाइव हो चुकी है आज से, और ये सेल रहेगी 9 तारीख तक, जिसके अंदर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा गैजेट के अंदर भी, मोबाइल के अंदर भी, और एप्पल के ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर जो कि बहुत भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आप भाई HDFC के कार्ड होल्डर हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसी एक वायरल न्यूज़ के बारे में, जो कि HDFC बैंक जो है मतलब उसके एडवर्टाइजमेंट में देखी गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ शेयर करी जा रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि HDFC बैंक ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है नौकरी का। उस एडवर्टाइजमेंट में बैंक ने साफ साफ लिखा है कि 12th क्लास के जो लोग हैं, पास आउट है, वो एलिजिबल नहीं है इस नौकरी के लिए, जिसके चलते बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस HDFC बैंक को फेस करना पड़ रहा है। और सोशल मीडिया पे कई लोग इसको वायरल कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई बैंक को ऐसा नहीं एडवर्टाइज करना चाहिए था। मतलब अगर आपको नहीं लेना 12th पास स्टूडेंट्स तो सिंपली आप नहीं डालते, बट आपको ऐसे इंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी मतलब 12th पास के जो स्टूडेंट है उनको। वही बात कर लेते भाई टर्की की आग के बारे में। टर्की के अंदर जो आग बहुत तेजी से फैल रही है, मतलब कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे सिटीज है जिसके चपेट में मतलब आग की चपेट में आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनकी डेथ अभी तक हो चुकी है और ये आग अभी तक बिल्कुल काबू नहीं पाई गई है। मतलब डे बाय डे ये आग बढ़ती जा रही है। तो भाई हम यही प्रे कर सकते हैं कि ये आग बहुत जल्दी थम जाए, और आप भी प्रे करिए कि भाई ये आग बहुत जल्दी थम जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टर्की ने नुकसान देख लिया है इस आग के चलते। चलिए भाई इस वीडियो के सेगमेंट को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो भाई आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आज चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ यू हैव एनी PR रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस sales@aplive.com। चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक अपने घर पर रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपना ख्याल रखिए।